हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉक्स। पहले जैसे मैंने बताया कि ये जो प्ले लिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैं सारे के सारे जो बेसिक कोड्स है सी और जावा के, उसके सारे के सारे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया पैलिंड्रम से, पैलिंड्रम नंबर को कैसे एक्सप्लेन करते थे, उसके बाद पैलिंड्रम इन गिवन रेंज। उसके बाद मैंने पहले वीडियो में बताया कि पैलिंड्रम जो स्ट्रिंग होता है, मतलब पैलिंड्रम स्ट्रिंग आप उसे जावा में क्या है, उसको जावा में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते। अब मैं बताऊँगा पैलिंड्रम स्ट्रिंग आप कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक मतलब आप पहले के वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके पहले वीडियो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका मतलब आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पर जाके आप बताइए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन करें और आपको जो क्वेरी से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को, तो अब आ जाइए पैलिंड्रम देखते हैं पैलिंड्रम स्ट्रिंग क्या है। तो मैंने बताया था कि पैलिंड्रम नंबर हो और पैलिंड्रम स्ट्रिंग हो। पैलिंड्रम बेसिकली होता है कि आपका जो ओरिजिन है वो रिवर्स, उसके बाद उसको अगर आप रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स का इक्वल होगा, मतलब ओरिजिनल और रिवर्स सेम है, ठीक है। एज आप अगर इसको नंबर से भी देख लीजिए तो भी है, अगर आप इसे स्ट्रिंग भी बोलिए, पैलिंड्रम स्ट्रिंग भी बोलिए तो भी सेम, मतलब है। सपोज़ हमने एक एग्जाम्पल लिया मैडम, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसको आप रिवर्स करेंगे सो रिवर्स क्या होगा, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स करेगा क्या होगा, वो भी मैडम ही होगा, ठीक है। अगर आपका जो ओरिजिन इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग, अगर आप उसके बाद इनपुट स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, अगर रिवर्स स्ट्रिंग और इनपुट स्ट्रिंग मैच हो गया, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को आप बोल सकते हैं पैलिंड्रम स्ट्रिंग, ठीक है। तो पैलिंड्रम स्ट्रिंग का मतलब है अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसको आप रिवर्स कर देंगे तो तब जाके, अब रिवर्स करने के बाद अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग और इनपुट स्ट्रिंग आप बोल सकते हो, इनपुट स्ट्रिंग के साथ रिवर्स स्ट्रिंग जो मैच हो गया तो उसको पैलिंड्रम स्ट्रिंग बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल पे लीजिए, तो एक आप वन अपर केस है और बाकी के सब लोअर केस है, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, एम ए डी ए एम, ठीक है। तो एक केस सेंसिटिव है स्ट्रिंग बेसिकली, सो केस सेंसिटिव है। अब ए पर आ जाइए, एक केस सेंसिटिव है मतलब है वन ए अपर केस, बाकी सब का लोअर केस है। अगर आप उसको रिवर्स करेंगे बाकी सब लोअर केस, ए अपर केस, मैच हुआ नहीं, मैच नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो फर्स्ट है कैपिटल एम है, इसका जो फर्स्ट है स्मॉल एम है, अब ये मैच नहीं हुआ, नॉट इक्वल, सो आप इसे भी पैलिंड्रोम नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब आप इसको पैलिंड्रोम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका रिवर्स इसका ओरिजिनल सेम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दैट इज पैलिंड्रम स्ट्रिंग। और आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा सी और जावा में, ठीक है। कम्स टू कोडिंग पार्ट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हमें जो हेडर फाइल है सी की जो उसे इंक्लूड करना होगा, ठीक है। सो हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और जो, क्योंकि हम स्ट्रिंग का ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए हमें जो उसका जो हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ओके, उसको भी इंक्लूड करना होगा स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। अब चलिए मेन मेथड को क्रिएट करते हैं, इंटीजर मेन एंड थिंग। अब क्या करना होगा हमें, तो हम मतलब हमें एक स्ट्रिंग लेना होगा, ठीक है, उसलिए हमें एक कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है। सो एस टी आर ऑफ, इसका साइज दे देंगे लगभग किसी एक साइज दे दीजिए, आप 20 और 30 भी दे सकते हैं, ठीक है, मैंने 100 दिया है। अब हमें क्या करना होगा, यूज़र को इंटरफेस देना होगा, ठीक है, प्रिंटेफ के थ्रू दे, जो हमें क्या करना होगा कि इंटर को स्ट्रिंग लेना होगा, ठीक है। सो एंटर है बेसिकली, एंटर है स्ट्रिंग, ये यूज़र के इंटरफेस पे आएगा कि आप एक स्ट्रिंग लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्कैनर के थ्रू दे हम यूज़र से इंटरफेस मतलब यूज़र से इनपुट लेंगे। सो परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग पर्पस, यू हैव टू यूज़ परसेंटेज एस, ओके, एंड देन एस टी आर। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मल इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज दे देते हैं, उसके बाद एम परसेंट ऑफ दैट वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली स्ट्रिंग के लिए आप एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लेना होगा आपको यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र इनपुट, तो परसेंटेज एस, उसके बाद आप कोमा देंगे, उसके बाद एस्टर लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, एक आप एक काम कीजिए, आप एक वेरिएबल लीजिए इंटीजर एल इज इक्वल टू 0, एक और लीजिए इंटीजर एच इज इक्वल टू, ओके। सो बेसिकली ये होगा एस टी आर स्ट्रिंग लेंथ, हमें स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करना होगा एस टी आर का, और उसके बाद -1। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल लूप लेंगे, ठीक है,
व्हाइल लूप में कंडीशन क्या होगा, एज ग्रेटर देन एल, एच मतलब जो एच है वो मतलब ले एल इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, एज इक्वल टू जीरो एंड एच होगा स्ट्रिंग लेंथ माइनस वन, दैट मीन्स फ्रॉम बैक बैक एंड हम स्ट्रिंग को ट्रावर्स करेंगे फ्रॉम बोथ वे, वन वे फ्रॉम मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे उसका जो आइडेंटिफायर होगा वो होगा एल, एल शुरू स्टार्ट करेंगे जीरो से और एच स्टार्ट करेंगे बैक से मतलब लास्ट इंडेक्स से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें कंडीशन लेना होगा इफ एच टी आर ऑफ एल प्लस प्लस, मतलब जो एल आइडेंटिफायर है मतलब मैंने बताया जो स्टार्ट से शुरू करेंगे और जो एच है वो एंड से शुरू करेंगे, अगर इन दोनों में कोई भी मतलब एच टी आर ऑफ एच माइनस माइनस अगर हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया जो हमें मैच नहीं करता स्ट्रिंग का, ठीक है, तब जाके स्ट्रिंग होगा मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मतलब मैंने जैसे बताया था मैडम का फर्स्ट स्मॉल फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल है लास्ट भी स्मॉल है, इसी तरह हमें बोथ फ्रॉम फर्स्ट से लास्ट मतलब टू वे हम चेक करेंगे कि बोथ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो मतलब दैट स्ट्रिंग आर नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, अगर सेम हुआ तभी जाके स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम बोल सकते, ठीक है। परसेंटेज इज नॉट ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हुआ हम रिटर्न जीरो दे देंगे, आगे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मतलब ए लूप ए प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं हो उसका मतलब है हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा उसको प्रिंट कर देना, सो परसेंटेज एस इज ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ओके। str उसके बाद रिटर्न जीरो, तो हमें मेन मेथड में लिखना ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब आउटपुट देख लेते हैं, तो चलिए आउटपुट लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम, ओके मैडम लिखते हैं, ओके वन मिनट सॉरी str लिखना होगा या फर्स्ट। अब चलिए अब देखते हैं एम ए डी ए एम, देखिए बता रहे कि मैडम इज नॉट ए पैलिंड्रोम बिकॉज फर्स्ट जो एम है मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल एम है लास्ट है स्मॉल एम, हम बोथ वे से चेक करेंगे फर्स्ट लू फर्स्ट से चेक करेंगे और लास्ट से एंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो स्टार्ट से होगा वो एल चेक करेगा, जो वो एल स्टार्ट से शुरू करेगा और जो एच है वो एंड से शुरू करेगा, अब बोथ को हमें जो इफ कंडीशन है वहाँ पर भी हमें चेक करेंगे कि फास्ट है और लास्ट ये दोनों सेम है या नहीं, अगर सेम है तो पैलिंड्रोम होगा, अगर सेम नहीं होगा तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब और एक बार इसे चेक कर लेते हैं आउटपुट को स्मॉल एम देख के एक बार, ठीक है। देखिए एम बता रहे कि पैलिंड्रोम मैडम से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बिकॉज फास्ट एम है और लास्ट एम बोथ सेम है, उसके बाद जो ए आई क्या स्मॉल है बोथ हो ये सेम है और जो डी है एम बोथ बोथ जगह दोनों जगह पर डी सेम ही आएगा, ठीक है। तो मतलब लॉजिक थोड़ा सा इजी है मतलब डिफिकल्ट नहीं है, हम क्या करेंगे बोथ हो से फ्रॉम स्टार्ट और फ्रॉम मेन बोथ से हम स्ट्रिंग को ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हमें ट्रावर्स करने के बाद साथ साथ में जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को हम चेक करेंगे, अगर बोथ हो कैरेक्टर बोथ साइड कैरेक्टर सेम है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होने के लिए मतलब हो सकता है, ठीक है। अगर बोथ मतलब बोथ साइड के जो कैरेक्टर है वो सेम नहीं है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता, और हम प्रिंट कर देंगे जो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है और हम रिटर्न जीरो कर देंगे, ठीक। तो इस वीडियो के लिए अभी तक यही है, अगर आपने पहले के जो वीडियोस है उन्हें देखा जाके पहले के वीडियोस देख लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।